राधे राधे फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई एक नया वीडियो लेकर कबाड़ से जुगाड़ सेक्शन में। तो जो आप ये स्क्रीन पर एक ब्लैक मेटैलिक का ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, या आप इसे बास्केट कह सकते हैं, घर में यूज़ करने वाली डलिया की तरह ये दिख रहा है, जी हाँ, ये वेस्ट पैकेजिंग पेपर से बना हुआ है। मैंने एक और चीज़ बनाई है, तो चलिए मैंने ये कैसे बनाया है आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस वेस्ट पैकेजिंग पेपर को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद कैंची से हम पतले पतले इसके बहुत सारे स्ट्रिप्स काट लेंगे। अब एक सिलाई के हेल्प से मैं इन स्ट्रिप्स को रोल करके बहुत सारे पेपर रोल बना लूँगी। तो मेरे ये पेपर रोल बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। फिर मैं सिलाई की सहायता से ही इसे फिर से रोल कर लूँगी, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा रोल करती जाऊँगी, इसे फेविकोल से चिपकाती जाऊँगी ताकि ये खुले ना। और जब एक रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम उसी में और आगे दूसरे रोल को फेविकोल की हेल्प से ऐड करते जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कि मतलब हमें कितना बड़ा बनाना है। अगर हमें छोटा बनाना है तो एक से ही काम चल जाएगा, अदरवाइज़ जितना बड़ा बनाना है हम आगे उसमें चिपकाते जाएंगे। इसके बाद मैंने इस पर एक कोट एक्रेलिक वाइट पेंट से पेंट कर लिया है। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट ही इस पर ब्लैक कलर से पेंट कर सकते हो। मेरे पास गोल्डन कलर नहीं था, तो मेरे पास ये बहुत ही पुरानी गोल्डन कलर की नेल पॉलिश पड़ी हुई थी, तो आज मैं इस कबाड़ से भी जुगाड़ करूँगी। तो इन सब पर मैंने ये गोल्डन नेल पॉलिश लगा दी है। गाइस, इसका लुक बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गोल्डन कलर लगाया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी वेस्ट नेल पॉलिश से भी जुगाड़ कर लिया। तो ये जो हमने एक बेस बनाया है बड़ा सा, अब इस पर सारे छोटे छोटे सर्कल को हम चिपका देंगे। तो मेरे पास ग्लू गन नहीं है, तो मैं फेवी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे भी चिपका सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसके चारों ओर एक एक सर्कल को चिपका दिया। तो फ्रेंड्स, वेस्ट पैकेजिंग पेपर से ये बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। हम इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, या तो फिर हम इसमें अपनी ज्वेलरीज भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम बनाते हैं अपना दूसरा जुगाड़। इसके लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे ब्राउन पेपर के, फिर सिलाई की हेल्प से इसके भी रोल बना लेंगे। अब फेविकोल की हेल्प से हम एक एक करके इन्हें एक पेपर पर चिपका लेंगे, फिर इनके दोनों एजेस को भी हम फेविकोल से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद ये ऐसा बन जाएगा। अब फेविकोल से हम इसको भी इसके ऊपर ऐसे चिपका लेंगे। इसके बाद हम इसका एक ऊपर का ढक्कन बनाएंगे, जिसके लिए हम बहुत सारे रोल को एक दूसरे से चिपका लेंगे। और फिर चिपकाने के बाद हम इसको बीच से धीरे धीरे से पुश करेंगे, तो ये एक ढक्कन का शेप ले लेगा। ये सच में बहुत ही छोटा सा क्यूट सा लग रहा है देखने में। तो अब ये बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर इस बार हम लोग डायरेक्ट ही ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लेंगे, और उसके बाद इस पर एक गोल्डन कलर का टच दे देंगे। तो इसका फाइनल लुक कैसा लगता है, चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वेस्ट पैकेजिंग पेपर से किया गया जुगाड़ कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर ही हिट करिएगा, ताकि कबाड़ से जुगाड़ से रिलेटेड जो भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते हैं
उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं कबाड़ से जुगाड़ के नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।